दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बवाल जारी है। आप नेता इस गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप नेता व कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने निकल पड़े हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। तो वहीं कोर्ट ने भी केजरीवाल की मांग मंजूर कर ली गई है। तो कैसे आप कार्यकर्ताओं ने उड़ाई है बीजेपी की नींद, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक तरफ आप कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में पीएम आवास के घेराव में निकले हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जेल से ही उन्होंने दो सरकारी निर्देश भी पारित कर दिए। तो वहीं आप कार्यकर्ताओं के विरोध को रोकने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। 3 मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद किए गए हैं। पीएम आवास के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। कई प्रदर्शनकारी आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसे लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए आप नेता गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को पुलिस राज्य में बदल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि एक ही आरोप में केजरीवाल को जेल और शरद रेड्डी को बेल कैसे मिल गई, ये कैसा खेल चल रहा है। गोपाल राय ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए रिहाई की मांग की है। कोर्ट बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। अब कोर्ट का फैसला किसकी नींदें उड़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।